हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सितंबर मंथ का जो परीक्षा होना है 26 तारीख को, 26 सितंबर को, उसका इंग्लिश का ये वायरल पेपर है जो कि 100% सही है। यही से 100% क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 50 नंबर का टोटल आपका परीक्षा होगा, टोटल परीक्षा होगा 50 नंबर का। और इसमें जो है आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा और इसमें 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 25 का जवाब देना है। ये 26 तारीख के लिए ओरिजिनल पेपर है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? बहुत ही काम का पेपर है। चलिए जल्दी जल्दी हम आपको आंसर कर देते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, द सिनेमा डैश डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। तो यहां करा है डैश डैश में क्या होगा? ये होगा कंबाइंस। क्या होगा? कंबाइंस होगा, समझे? तो चलिए दूसरा, ये बुक से आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यही से 100% क्वेश्चन रहेगा। तो आप ऑप्शन भी रट सकते हैं और ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपको ऑप्शन जाके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, करा ऑफन बाय अ क्योर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलो ड्रामा। तो यहां पे क्या होगा आंसर? यहां पे आंसर हो जाएगा सी, एक्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए करा है, व्हाट आवर सिनेमा यूज अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड एडियम अ सॉर्ट ऑफ डैश डैश ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। तो यहां पे क्या होगा आंसर? यहाँ का आंसर हो जाएगा डी, आइकोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए गाइज, क्या करा है? करा है, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म के साथ क्या रॉन्ग है, इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर होगा ए, सत्यजीत राय। जल्दी जल्दी देख लीजिए गाइज और रट जाइएगा, ताकि आपको परीक्षा में आसानी से काम आ सके सब चीज। चलिए पांच नंबर देखिए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, 1907 ईस्वी में। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश बर्मा। तो किसके लिए करे थे? डेमोक्रेसी इन वर्मा के लिए, ठीक है? ये नंबर आंसर होगा। चलिए छठा हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। सातवां नंबर कह रहा है, द नोबेल प्राइज, सॉरी, नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन, कब दिया गया था सू की को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1991। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, हैरिस फेल्ट दैट नो वन शुड डैश द प्लाइट ऑफ बर्मीज पीपल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडल्ज, डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू आंग सैन सू की। तो इसके लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था आंग सैन सू की को, किसने रिसीव किया था? इसका होगा हर्षन। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए करा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अहेड बाय आंग सैन सू की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा सी नंबर, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी।
क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या आ रहा है, विद्यापतिज पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, तो क्या होगा, तो इसका होगा राधा एंड कृष्ण, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कह रहा राधाज फ्रेंड्स वर, राधाज फ्रेंड्स वर, तो क्या होगा, वरीड अबाउट हर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट इज द फॉर्म ऑफ, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज 13 नंबर का, 13 नंबर का हो जाएगा थिनर देन अ क्रिस्ट इन अ पोएम, पोएम का नाम क्या है, स्पीच। चलिए देख लीजिए एक बार इस पोएम का नाम क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए रनिंग, क्या होगा, ए रनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, करें हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ है अर्टियस कर्व अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज, ये किसने लिखा था, इसको लिखा था विद्यापति ने। चलिए क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, करा मिस्टर गिस्लर वाज ए, क्या होगा, डैश डैश बूट मेकर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रशियन बूट मेकर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करा फूल मिस्टर गिस्लर मेकिंग बूट वॉच एन, क्या था, तो यहाँ होगा आर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 देखिए कह रहा है, द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गिस्लर वॉज द बेस्ट बूट मेकर इन, तो क्या होगा इसका, हो जाएगा आंसर लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द पीस क्वालिटी, तो करा इसके ऑथर कौन थे, तो इसके हो गए जॉन ग्लास वर्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर नो मिस्टर गेस्लेर, तो क्या होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, करा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो क्या है सेंटेंस, हाउ डैश डैश आई टेल द फ्यूचर इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाउ कैन आई, क्या होगा, हाउ कैन आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिए क्या है, कह रहा है कीटले कैट एंड मिकी माउस डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस, तो क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डिड। तो गाइज ये जो चैनल है हमारा, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और सभी का मासिक परीक्षा का भी क्वेश्चन आंसर कराया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पे आपको वीडियो मिल सके और सबसे पहले आप तक हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है, इट इज जनरली सीन दैट द चिल्ड्रन डैश रन आफ्टर अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो होगा इट इज जनरली सीन दैट द चिल्ड्रन विल रन आफ्टर अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो चलिए ये हो गया आंसर। 24 नंबर देखते हैं, पोर द पाउडर इन टू द पैन एंड लेट इट, लेट इट, क्या हो जाएगा आंसर, लेट इट बॉयल, क्या होगा, सॉरी इट के बाद टू बॉयल लगाइए, लेट इट टू बॉयल फॉर 5 मिनट्स।
अगला देखिए, करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रिप्रिएट प्रिपोजिशन, तो प्रिपोजिशन लगाना है यहाँ पे। करा इट हैज बीन रेनिंग हैविली मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 नंबर देखिए क्या कर रहा है, अनु इज वेरी शाय, शी ऑलवेज हाइड्स हर सेल्फ डैश डैश हर मदर, तो क्या होगा, वह अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती थी, तो बिहाइंड होगा, क्या होगा, शी ऑलवेज हाइड हर सेल्फ बिहाइंड हर मदर। चलिए तो यहाँ क्या होगा, 27 नंबर देखिए, देयर इज अ ब्रिज डैश डैश द ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ होगा अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र। अगला 28 नंबर देखिए, हेनरी फोर्ड वाज बोर्न, यहाँ पर हो जाएगा ऑन द 13 जुलाई 1863। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 लेते हैं, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्यूरोक्रेसी, क्या होगा, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी होगा। 30 नंबर भी करा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गली। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट करें, और 26 तारीख के परीक्षा में आप धमाल मचा कर आइए, और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय द